अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए साइंस का सफर बहुत ही आसान बन रहा होगा और आप मेरे साथ मिलकर साइंस की वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और साइंस वक्त के साथ साथ आपके लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक आसान सब्जेक्ट बन रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखा करें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसके लिए आपको बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे भी आपके पास जो 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम ही है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज आखिर है क्या? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, फिजिकल का वर्ड है तबई और क्वांटिटी को कहा जाता है मिकदार। तो तबई मिकदारें क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब जाहिर बात है, हम तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको मेजर करना, मापना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल हैं, जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसी वैल्यूज आपके पास कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास एक एक वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती या कोई एक पैरामीटर्स के अंदर नहीं आता, इसे बहुत सारी रेंजेस आती हैं। अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं या इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम इसमें मेजर कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए जब भी कोई वैल्यू जिसको आप मेजर कर रहे हो, उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ उसमें होनी चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद है कि उसका कोई अदद, कोई फिगर। और दूसरी चीज उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके पास है उसका यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और दूसरी चीज आ गई उसका यूनिट। जैसे मैं एक दुकानदार के पास गई और मैंने उसे कहा कि मुझे 5 kg शुगर दे दे, 5 किलो चीनी दे दे। तो मेरे पास ये जो वर्ड है 5 kg, इसमें ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल डिजिट है और जो kg है ये आपके पास उसका यूनिट है। तो जब तक ये दोनों इकट्ठे ना हो, मैं दुकानदार के पास जाऊं समय वो मुझे 5 शुगर दे दे, 5 ग्राम दे दे या 5 किलो दे दे, 5 मन दे दे, कोई यूनिट तो आगे मुझे लगाना पड़ेगा ना। तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए मेजरेबल चीज में और साथ में उसका यूनिट होना चाहिए। अब इस बिना पे हमने क्या किया कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज थी इसको 2 टाइप्स पे तकसीम कर दिया। हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी है डिराइव क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटीज हैं ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसी मिकदारें हैं जो कि दूसरी वैल्यूज के लिए, दूसरी मेजरमेंट्स के लिए सम टाइम एज अ बेस, एज अ बुनियाद जो है वो एक्ट करती हैं कि इससे मजीद और कई मिकदारें निकाली जा सकती हैं। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें कहा जाता है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में आपके पास आती है लेंथ, जैसे किसी भी चीज की लंबाई जो है मापनी हो, जिससे लंबाई जो है मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आपके पास लंबाई मापी जाती है। आपके पास आ जाता है मैस, मैस में उस चीज का आ जाता है वजन। वजन आपने अगर मेजर करना हो, ये ग्राम में भी हो सकता है, ये किलोग्राम में भी हो सकता है, एंड अप टू सो ऑन, इससे और भी हायर यूनिट्स हैं। टाइम को मेजर करना हो तो सेकेंड्स में हो सकता है, आपके पास मिनट्स में हो सकता है, आपके पास आज यानी घंटों में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, सालों में हो सकता है। तो ये है आपके पास वक्त का जो है मापना। फोर्थ एग्जांपल आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कहते हैं दर्जा हरारत। आप दर्जा हरारत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा के अलावा दर्जा हरारत का आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन। तो दर्जा हरारत भी बहुत तरह का हो सकता है। करंट जो हम मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है एम्पियर में। अक्सर के घर में जो बिजली के बोर्ड्स होते हैं उनके जो बटन्स लगे होते हैं जिनको आप ऑन करके लाइट जलाते हैं, फैन जलाते हैं, उसके नीचे हम देखा करें लिखा होता है 1A 2A। ये 1A 2A एम्पेयर्स है कि ये कितने एम्पेयर का करंट जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह से लाइट की इंटेंसिटी है, यानी जो रोशनी है उसकी शिद्दत कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि सम टाइम एज अ बेस, एज अ बुनियाद एक्ट करती हैं दूसरी मेजरेबल क्वांटिटीज के लिए। तो इन क्वांटिटीज को कहा जाता है बेस क्वांटिटी।
दूसरी जो क्वांटिटी है ये इंग्लिश में, उर्दू में भी अगर आप इसको कहें तो इन्हें बुनियादी मिकदारें भी कहा जाता है, उनके बेस है मीन बुनियाद। और जो दूसरी टाइप आपके पास है ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज, उर्दू में से कहा जाता है माखूज मिकदारें। माखूज वो होती हैं जो किसी से अखज हुई हो, जो किसी से निकली हुई हो। तो डिराइव क्वांटिटीज की जो मिकदारें हैं ये आपके पास निकली होती है, मोस्टली बेस क्वांटिटी से ही डिराइव हुई होती है, ठीक है, और उनसे ही निकली होती है, उनके टर्म्स में ही इनको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। अब आप इसकी जब मिसाल देखेंगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसकी मिसालों में आपके पास आता है एरिया। एरिया को अगर आप देखें तो किसी भी चीज का जो एरिया है वो होता है मीटर स्क्वायर में या मीटर क्यूब में। अब आप अच्छे से जानते हैं कि मीटर तो यूनिट था लंबाई का, तो देखें उसी की टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपके पास होता है डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। आपके पास डीएम क्यूब जो है, या फिर आपके पास मिली लीटर में, एमएल में जो है वो मिली लीटर इसमें यूनिट्स में लिया जाता है। तो यहाँ भी आप देखें मीटर क्यूब, मिली, और ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये यहाँ पर मैथ्स वगैरह के लिए, लेंथ वगैरह के लिए यूज होते हैं। स्पीड की बात करें, स्पीड का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमेशा होती है ना कि फलां चीज की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड, बाइक जो है वो स्पीड से जा रही थी, कार इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। तो मीटर यूनिट लंबाई का, पर सेकंड यानी इतना लंबा फासला वो तय कर रही है इतने टाइम में, एक सेकंड में। तो पर सेकंड, सेकंड यानी टाइम भी आ गया, मीटर यानी लंबाई भी आ गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ये तमाम वो मिकदारें हैं जो कि बेस क्वांटिटी से ही माखूज की गई हैं, निकाली गई हैं। उन्हीं के जो मेजर क्वांटिटीज थी उन्हीं को यूज करके, उन्हीं को अखज करके, उन्हीं का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इन क्वांटिटीज को आगे जो है वो बनाया गया है। सो ये थे आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एसआई सिस्टम होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड। अगर पाकिस्तान में मैथ्स का यूनिट ग्राम या किलोग्राम है तो पूरी दुनिया में भी उसका यूनिट वही है। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है उसको कहते हैं, उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या एसआई यूनिट उसको कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ पर, आपको पता है कि दो क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं और ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो वो यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो आपके पास कहलाएंगे बेस यूनिट, जबकि वो यूनिट जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में डिराइव क्वांटिटीज को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे वो कहलाएंगे डिराइव यूनिट। जैसा कि आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है लेंथ, लंबाई, लंबाई को हमेशा हम जिस सिंबल से शो करते हैं वो है एल। मैस को हम जिस अलामत से शो करते हैं वो है स्मॉल एम। टाइम को हमेशा शो किया जाता है स्मॉल टी से। टेम्परेचर को शो करते हैं कैपिटल टी से। करंट को हमेशा शो करते हैं आई से, कैपिटल आई। और जो लाइट इंटेंसिटी है उसको शो करते हैं हमेशा एल से। ये हैं अलामात। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट्स की, कि इनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। यूनिट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात तो मैंने आप लोगों से पहले भी की है। तो लेंथ का जो यूनिट हमारे पास आता है, लेंथ का यूनिट आपके पास है मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मास का यूनिट आता है ग्राम या फिर आपके पास केजी। टाइम का यूनिट आपके पास आता है सेकंड। अब टाइम में सेकंड भी है, मिनट भी है, आवर भी है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक है जो सिस्टम इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में हर जगह एक माना जाएगा, स्टैंडर्ड माना जाएगा, वो आपके पास इन तीनों में से है, यानी सेकंड में से, मिनट में से और घंटों में से। आपके पास जो सेकंड है एस, सेकंड में वक्त जो मेजर किया जाता है वो आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। इसी तरह से जैसे मैथ्स में ग्राम भी था, किलोग्राम भी है, तो जो ग्राम है आपके पास वो इसका स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। टेम्परेचर का सिस्टम इंटरनेशनल, मैंने अभी आपको बताया कि तीन स्केल होते हैं आपके पास, सेल्सियस स्केल, आपके पास फॉरेनहाइट स्केल, आपके पास केल्विन स्केल। तीन स्केल होते हैं, उसमें से केल्विन स्केल सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट एम्पियर, ऑलरेडी आपको बताया था, इसे शो किया जाता है। और जो लाइट इंटेंसिटी है इसकी अलामत शो की जाती है कैंडेला, सी डी, ये जो है इसका आपके पास यूनिट है और इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि डिराइव क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज में जैसा कि आपके पास एरिया है, इसका यूनिट जो स्टैंडर्ड सिंबल अलामत है इसकी, एरिया को शो किया जाता है ए से, वॉल्यूम को कैपिटल वी से, स्पीड को भी वी से ही शो किया जा रहा होता है,
क्योंकि स्पीड जो है आपके पास वेलोसिटी वो वी, बस आप डिफरेंस ये करते हैं कि जब स्पीड का वी लिखते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं लिखते, वो थोड़ा स्मॉल होता है, और बड़ा वी हो तो वो वॉल्यूम के लिए होता है। फोर्स को कैपिटल एफ से शो किया जाता है, वर्क को कैपिटल डब्ल्यू से। इस तरह बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके पास। पावर है उसको आप कैपिटल पी से शो करते हैं, एनर्जी है कैपिटल ई से शो करते हैं। ये इसकी अलामत है सिस्टम इंटरनेशनल में। और यूनिट भी आपके सामने ही है। एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। हालांकि मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब डिफरेंट रेंजेस हैं, लेकिन मीटर क्यूब स्टैंडर्ड है सिस्टम इंटरनेशनल में। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। फोर्स को एन, एन कहते हैं न्यूटन को, न्यूटन एक आपके पास यूनिट है, ठीक है, उसमें मेजर किया जाता है। वर्क जो है इसको यूनिट होता है जाउल्स, जाउल्स को लिखे यहाँ पे लिखा जाता है अलामत कैपिटल जे से, तो जाउल्स इसका यूनिट है। सो ये थी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, उनसे डिराइव होने वाली, तकसीम होने वाली दो ब्रांचेस, बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी। देन उनसे आगे बेस क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं बेस यूनिट, और डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनको कहा जाता था डिराइव यूनिट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।